लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र 38 हमीरपुर में कुल 94 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में 5 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों का संचालन महिला अधिकारी करेंगे। पीठासीन अधिकारियों सहित अन्य मतदान करने वाली महिला कर्मी ही रहेंगे। महिलाओं के माध्यम से ही इन मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही एक यूथ मतदान केंद्र रहेगा। यूथ मतदान केंद्र में सभी मतदान प्रक्रिया को पूरा करने वाले युवा कर्मचारी होंगे। विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में 3 मतदान केंद्रों को संवेदनशील केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है। संवेदनशील केंद्रों में पुलिस का अतिरिक्त पहरा रहेगा। यह जानकारी SDM हमीरपुर मनीष सोनी ने दी है। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी, जैसे आपको पता है लोकसभा चुनाव जो हमारे 2024 के जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें 38 हमीरपुर असेंबली सेगमेंट में कुल हमारे पास 94 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 5 जो स्पेसिफिकली विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है, जिसमें महिलाएं जो हैं वही मतदान करवाएंगी। पीठासीन अधिकारी भी महिला हैं, एवं जितने भी हमारे मतदान अधिकारी हैं वो उसमें महिलाएं रहेंगी। इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन जो है हमने आइडेंटिफाई किया है जो स्पेसिफिकली यूथ मैनेज्ड होगा, जिसमें सारे के सारे जो हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं और सारे पोलिंग ऑफिसर हैं वो यूथ होंगे। इसके अलावा एक PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन है, जिसमें जो भी मतदान की प्रक्रिया करवाई जाएगी वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर एज वेल एज पोलिंग ऑफिसर उसमें जो है PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है। और हमारे पास आज डिस्पैच सेंटर में जो है 94 पोलिंग स्टेशन के लिए जो है वो डिस्पैच कर दिया गया है। आज शाम को पोलिंग पार्टीज अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंच के सारी तैयारियां जो है कल मतदान करवाने के लिए बूथ सेटअप जो करना है वो कर लेंगी, और कल जो है निर्धारित समय पे 7 बजे से जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम के 6 बजे तक जो मतदान प्रक्रिया जो है वो एज़ पर ECI गाइडलाइन रहेगी। जिसमें 3 पोलिंग स्टेशन हमारे क्रिटिकल आइडेंटिफाइड हैं, और उनकी अगर हम बात करें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की, तो हमारे पास एज़ पर ECI गाइडलाइंस जो हैं CRPF के एक पर्सनल जो हैं वहाँ पर डिप्लॉय रहते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे वेबकास्टिंग का प्रावधान रहता है। वेबकास्टिंग से हम जो है रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं कि गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं वहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ पे डिप्यूटेड रहते हैं, जो ऑब्जर्वर साहब को रिपोर्ट करते हैं स्पेसिफिकली इन केस कोई इंसिडेंट वहाँ पे होता है। अटेंडेंस के लिए काउंटर नंबर 1 पर आए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।